आज CUET UG का एग्ज़ाम था। देश के बहुत सारे विद्यार्थी आज इस एग्ज़ाम को नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके, आइए इस मामले को जानते हैं विस्तार से। नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल देर रात CUET UG का एडमिट कार्ड एक बार फिर से बदल दिया जाता है। क्यों बदला गया, अभी तक इसका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है। अब बदलाव होता है तो किस चीज़ में बदलाव होता है और वो किस हद तक होता है। सेंटर को ही बदल दिया जाता है, वो भी रात को 12 बजे। अब वो हवाई जहाज से उड़ के जाएगा पेपर देने। अरे महाशय, आपको 100 किलोमीटर के अंदर सेंटर देना था, आपको चुने गए प्रेफरेंस के अंडर में सेंटर्स देना था, आप उसको दे रहे हो 250 किलोमीटर दूर, वो भी रात के 12 बजे। कौन सी गाड़ी से जाएगा पेपर देने। तो आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक बच्चे की नहीं 6 लाख बच्चों की कहानी, इनसे जुड़े हुए 6 लाख गार्जियन की कहानी। ये कहानी शुरू होता है 4 अगस्त से, जब पहली बार बच्चों को एग्जाम सेंटर पे बुला के उनको भगा दिया जाता है। मैं तो कहूँगा भगा दिया जाता है, उनको पेपर स्क्रीन पे बैठा के नहीं देने दिया जाता है। और ये कहानी का जो दूसरा भाग है वो है इनके एडमिट कार्ड को अचानक से बदल दिया जाता है। ये कोई कहानी नहीं है एक्चुअली, ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है जिसपे गहरा मौन है, गहरी चुप्पी है, कोई इस पे अभी तक नहीं बोल रहा है। एक बच्ची को एग्जाम का जो पहला डेट मिलता है 4 अगस्त, लेकिन उसका पेपर नहीं होता है। दूसरा डेट मिलता है 26 अगस्त, पेपर नहीं होता है। फिर तीसरा डेट दिया जाता है 30 अगस्त यानी आज। आज वो बच्ची खुद पेपर देने नहीं जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि उसको आजमगढ़ से लखनऊ गोमती नगर जाना है एग्ज़ाम देने। इसके बीच का जो डिस्टेंस है नो डाउट कि 200+ होगा, ज़्यादा ही होगा। उसके घर में गार्जियन की कमी है, उसके घर में ट्रांसपोर्ट की कमी है। और मुझे लगता है कि ये जो कहानी है वो इस एक बच्चे की नहीं है, देश के बहुत सारे छात्रों की है। और ये बड़ा ही कॉमन सेंस की बात है कि 12 घंटे पहले आप 250 किलोमीटर दूर सेंटर दे रहे हो, वो भी रात में, जिसको खुद पेपर देना है, वो जब ट्रैवल करके इतना दूर जाएगा तो किस कॉन्शियसनेस के साथ पेपर में बैठ के वो एग्ज़ाम में अच्छा करेगा। सोचिए और कमेंट करिएगा। अब आप ही बताइए, NTA जब वादा करती है 95% लोगों को दिए गए प्रेफरेंस में पहला प्रेफरेंस एज अ सेंटर दिया जाएगा, लेकिन आज तो कमाल हो गया, फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड छोड़ दो, आउट ऑफ प्रेफरेंस एज अ सेंटर्स लोगों को दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं 4 अगस्त की आपको बात बताऊं, जिस दरमियान आप लोगों को, आपके बच्चों को सेंटर पे बुला के भगा दिया गया, पेपर नहीं देने दिया गया, उस दिन हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ट्विटर हैंडल पे हर हर शंभू गायिका का पोस्ट डाल रहे थे। वो पोस्ट डालना सही है, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए भी तो पोस्ट डालने चाहिए कि NTA क्या कर रहा है। NTA के अगेंस्ट एक भी पोस्ट दिख जाए इनके ट्विटर हैंडल्स या MJ कुमार जी UGC का चेयरमैन। हफ्तों भर तो इन्होंने भी इग्नोर करा, काफ़ी दिनों बाद इन्होंने बड़ा बचते बचाते हुए NTA के लिए इन्होंने ट्वीट करा, लेकिन जैसे लगता है कि ये सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे कुछ बच्चे तो NTA के ऑफिस भी गए डेली, मुझे एग्जैक्ट प्लेस अभी याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे मोबाइल बाहर सबमिट कर लिया जाता है, ठीक है आपकी प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियल है, सबमिट कर लिया। लेकिन जब बच्चे वहाँ जा के बताते हैं कि हमारे एडमिट कार्ड बदल दिए जा रहे हैं, हमारे सेंटर्स बदल दिए जा रहे हैं, हमारा एडमिट कार्ड एग्ज़ाम हो चुका है और अभी तक मिला ही नहीं, या अचानक से बदल दिया जा रहा है, पता है उनका क्या जवाब था? उनका जवाब था कि हमारे यहाँ से तो सब कुछ सही चल रहे हैं। ये वहाँ का स्टेटमेंट है,
मोबाइल सबमिट हो गया नहीं, जो बच्चे गए थे वो वीडियोज बना के लाते। बड़ा अजीब सा माहौल है यहां। सॉरी तो छोड़ दो, सल्यूशन तो छोड़ दो, कोई सॉरी भी बोल देता है एक दूसरे को तो भी बात बन जाती। यानी कई लाख बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पे लगा है, साथ में गार्जियंस परेशान है। 6 महीनों से तैयारी करके गार्जियन के पीछे पड़े हुए हैं, उनको सेंटर पे ले जा रहे हैं, एग्जाम दिलाने ले जा रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा संख्या में जो छात्रों का भविष्य है उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सोचने वाली बात है। तो क्या ये चुप्पी हमेशा रहेगा या इस पर कोई आवाज़ उठाएगा? क्या इनको न्याय मिलेगा या फिर वो ऐसे ही भटकते रहेंगे? इसका जवाब आप दीजिए। अब जो हुआ उसको भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में आंसर की आना है, रिजल्ट डिक्लेयर होना है, तो क्या उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलेगा? हमारे देश के लाखों छात्र जवाब चाहते हैं। हमारे देश के शिक्षा मंत्री, यूजीसी के चेयरमैन एमजे कुमार जी, सेक्रेटरी ऑफ एनटीए और देश के प्रधानमंत्री, जवाब दीजिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लीजिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने स्टेटस पे लगाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आपके, उन सभी पे वीडियो जाना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ट्विटर का लिंक है, खूब चाप के रिट्वीट मारिएगा, ऑलरेडी पोस्ट डाल दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।